दीप्ति जी, दीप्ति जी अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। प्लीज शुरू कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ सेफ और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग के थर्ड डे में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह से कमांडो तैयार किए जाते हैं ताकि वो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतकर देशवासियों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, ठीक उसी प्रकार हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी द्वारा लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने के लिए चलाए जाने वाले मिशन 2L21 के हम सभी कमांडोज हैं। हम सब कमांडोज 21 डेज की इस ट्रेनिंग को फॉलो करके अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार 21 डेज में एक मुर्गी द्वारा एक जीव का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार 21 डेज की इस ट्रेनिंग को फॉलो करके हमारे अंदर 7% से लेकर जीबीटी तक का निर्माण हो सकता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप्ति वाशने है, यूपी के छोटे से शहर हाथरस को बिलोंग करती हूँ, टिपिकल बिनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा के 3 राइस मिल थे और हस्बैंड का इन्वर्टर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पर मेरी अपनी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, नहीं मंजूर था मुझे किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी और किसी माँ के नाम से जाना जाए। थैंक्स टू गॉड कि मेरी जिंदगी में 4 साल पहले मोदी केयर आया और मैंने इसको स्टार्ट किया, और मोदी केयर में आज मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर से मुझे 4 फॉरेन ट्रिप्स मिली, मैंने अपनी ड्रीम कार इनोवा क्रिस्टा ली, धूम को क्वालिफाई किया, और सबसे बड़ा सपना समीर मोदी जी के साथ मैंने होली खेलने का पूरा किया। रिसेंटली मैंने गोवा ट्रिप विद कपल को भी क्वालिफाई किया, और फ्रेंड्स, मोदी केयर में जो भी ऑफर्स आए उसको मैंने अपना मान करके उसको ग्रैब किया, और इसी वजह से आज मैं मोदी केयर में 6 डिजिट्स में इनकम अर्न कर रही हूँ। फ्रेंड्स, उसी सिलसिले में स्टार्ट करते हैं आज की कमांडो ट्रेनिंग की। मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ मैं एक ऐसी लेडी को जो कि मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक डांस टीचर हुआ करती थी और आज वो मोदी केयर में डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रही हैं। उनका नाम है राधिका महेश्वरी जी, जो कि हमारी आज की मोदी केयर एमसी हैं और सूत्रधार हैं, और मैं जोरदार तालियों से इनका वेलकम करती हूँ। ओवर टू यू राधिका जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। कमांडो ट्रेनिंग डे थर्ड में तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नाम है राधिका महेश्वरी, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पे हूँ। अगर मोदी केयर की जर्नी से पहले की बात करूँ तो शादी से पहले भी जॉब किया करती थी, फुल इंडिपेंडेंट थी, और शादी के बाद एज अ डांस टीचर मैंने जॉब किया। बाहर क्लासेस देने जाती थी, घर पे भी क्लासेस लेती थी, मेरी 3 साल की बेटी उसके साथ मैं ये सब कर रही थी। हालांकि बहुत प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन एक इनकम अर्न हो रही थी तो सब कुछ मैनेज हो रहा था। लेकिन लास्ट ईयर जैसे लॉकडाउन आया मेरी इनकम 0 में कन्वर्ट हो गई। अब क्या, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स तो मैं पहले से यूज कर रही थी, अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था तो बिजनेस एज अ बिजनेस उसे बिल्ड नहीं किया। अब जब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ मेरा स्टॉप हो गया, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। इस बिजनेस को मैंने समझा, डीपली समझा, और एज अ बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया, और आज डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और अगर इनकम की बात करो, जहां पूरा दिन इतना मेहनत करके बेटी को भी परेशान कर लेती थी, तब मैं जितनी इनकम लेती थी आज मैं घर बैठे मोदी केयर से अर्न कर रही हूँ। और फ्यूचर की बात करो, अगस्त तक मैं यहाँ से अपना ट्रेवल फंड स्टार्ट करने जा रही हूँ, एंड दिसंबर तक मैं यहाँ से अपना कार फंड लेने के लिए उस पर वर्क कर रही हूँ। सो मैं अपनी सभी अपलाइन का थैंक यू करना चाहूंगी, और हमारे जो मोदी केयर सिस्टम का, कि हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतना कुछ हमें स्कोप मिल रहा है सब कुछ करने का। मैं इसी के साथ 2-3 लाइन बोलना चाहूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं दोस्तों, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, जिनका नाम है मिस्टर संजय अरोरा जी। उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल पे है, 3 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं, 3 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं, 1 कार ले चुके हैं, होम फंड अचीवर है, बहुत जल्द से 1 से 1.5 करोड़ के मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं,
और जब भी मैं उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ ना दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो बोलते हैं बहुत दिल से बोलते हैं, और जो लोग दिल से बोलते हैं ना वो अपनी छाप लोगों के दिमाग और दिल दोनों में छोड़ जाते हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ मिस्टर संजय अरोरा सर का मैं स्वागत करना चाहूंगी। वेलकम है सर, ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? एंड सबसे पहले थैंक यू वेरी मच राधिका जी, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों मेरा राधिका जी आपने। तो दोस्तों मैं संजय अरोड़ा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर दिल्ली से। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मोदी केयर से पहले मैं क्या था दोस्तों, एक 25,000 रुपए की नौकरी करता था, फिर प्राइवेट जॉब करता था और मेरी शादी हुई वाइफ से। मेरी मतलब जब शादी हुई तो दोस्तों वाइफ भी एक प्राइवेट जॉब करती थी, 20-25 हजार रुपए की उसकी भी इनकम थी। तो दोस्तों घर में कुल मिलाकर 50-52 हजार रुपए आता था, और बाहर की लाइफ में मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। बट दोस्तों इसी बीच में जब मेरी गुड़िया होने वाली थी, तो मेरी वाइफ ने मेरे से बोला कि संजय जी मैं ये अब जॉब छोड़ रही हूं, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए दोस्तों, शरीर से बढ़कर तो लाइफ में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी जॉब क्विट कर दीजिए। दोस्तों उस टाइम तो मैंने बोल दिया अपनी वाइफ को क्विट करने के लिए कि आप जॉब छोड़ दो और घर पे रहो, आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखो। बट दोस्तों जब कहते हैं ना अगले महीने सैलरी आती है, और अगले महीने जैसे मेरे घर पे पहले 50,000 आता था दोस्तों, और अगली बार आया सिर्फ मेरी इनकम, मेरी सैलरी आई फ्रेंड सिर्फ 25,000 रुपए। तो मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि मैं जब 50-52 हजार रुपए घर के खर्चों से हम चलाते थे, बट वही इनकम मेरी आधी हो गई, तो दोस्तों थोड़ा सा झटका तो लगना तय था। पर इसी बार अब क्या कर सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं अपना काम खोल लूं, और ये भी नहीं कह सकता था अपने बॉस को कि मेरी इनकम, मेरी वाइफ की इनकम चली गई है और मेरी इनकम अब बढ़ा दो। नहीं, क्योंकि बाहर की लाइफ में फ्रेंड 10% सैलरी बढ़ती है, वो भी साल के अंदर, और साल तक तो दोस्तों बहुत बड़ी बात करता हूँ, कई जॉबों में तो साल तक जोड़ मतलब टिका भी नहीं जा सकता, उससे पहले पहले वो कंपनी वाले टाटा बाय बाय कर देते हैं। बट दोस्तों कहते हैं ना है वहां रहा है। तो दोस्तों मैं अपनी जॉब कर रहा था, बट आए दिन यही सोचता रहता था कि संजय अब इसको काम को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, बहुत सोचता था दोस्तों। आप यकीन मानोगे, मैं रात रात तक यही सोचता था, सुबह जब बाइक पे जाता था यही सोचता था कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही जो मेरे साथ वहां पे मेरे साथ एक फ्रेंड जॉब करता था, तो उसने पूछा क्या बात होगी, तो मैंने उसको बताया कि यार मेरी वाइफ की ऐसे ऐसे जॉब चली गई है, प्रॉब्लम हो रही है काफी खर्चे को लेके। बस दोस्तों उसी थोड़े टाइम बाद ही मेरी बिटिया भी हो गई। अब बिटिया होने के बाद तो देखो दोस्तों खर्चे घर में बढ़ जाते हैं, जब दो मेंबर से तीसरा मेंबर घर में आ जाए तो खर्चे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने उसी फ्रेंड से बात करी, तो कहता देखो सेम सिचुएशन उसकी भी यही थी कि मेरे भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बट हम दोनों ने काफी काफी सोचा कि क्यों ना अपना काम करा जाए। दोस्तों दो महीने सोचते सोचते लग गए, कुछ पैसों का जुगाड़ करा, कुछ उसने पैसों का जुगाड़ करा। तो दोस्तों आने वाले कुछ टाइम में हम दोनों ने अपना मोबाइल का काम शुरू करा फ्रेंड वहां से। पर दोस्तों इतनी बड़ी बात नहीं, वहां पे भी हमारा काम स्टार्टिंग में नहीं चला, क्योंकि देखो कोई भी काम अगर आप खोलते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। मेरी गाड़ी पटरी आने मतलब आने पे दोस्तों कम से कम 1.25 से 1.5 साल वहां पे लगा। बट कहते हैं ना जब मेहनत करिए तो फल तो भगवान देगा ही देगा। तो दोस्तों हमारी इनकम वहां से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लग गई, हमारी गाड़ी दोबारा पटरी पे आ चुकी थी, मैं वही 50-55 हजार रुपए की इनकम पे पहुंच गया दोस्तों। और मैं बहुत हैप्पी था कि मैं संजय पहले वाइफ के साथ मिलकर 50,000 रुपए घर में आता था, बट आज मैं अकेला 50-55 हजार रुपए कमाता हूँ। और मैं अपने आप को दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मैं राजा समझता था। 50-55 हजार रुपए दोस्तों बहुत बड़ी इनकम होती है। और मैं बात करूं मोदी केयर की फ्रेंड, तो 4.5 साल पहले मोदी केयर लाइफ में आया, और थैंक्स करना चाहूंगा मैं सुरेखा मैम का और त्रिपत मैम का कि दोस्तों जो हमारे घर पे आए। और मैं आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो सुरेखा मैम ने जब उस टाइम पे वाइफ को बिजनेस समझाया तो बोला कि आप मोदी केयर समझ लो संजय जी, तो दोस्तों मैंने उस टाइम पे मैम को मना कर दिया। आप सोच के देखो कि मैंने सुरेखा मैम को मना करा। मैं आज सोचता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत बोलता हूँ कि मैंने मतलब उन जब टॉप अर्नर जिसे कहते हैं मोदी केयर की आन बान शान, उनको मैं नहीं पहचान पाया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं बाहर की लाइफ में 50-55 हजार रुपए कमा रहा था, बहुत बड़ी इनकम होती है 50-55 हजार रुपए। बट दोस्तों जब मैम समझा के चली गई, तब मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा ये आप कौन सा काम कर रहे हो, ये क्या काम है? तो मोदी केयर है, ये वही चैन बनाने वाला सिस्टम है, नेटवर्किंग
नेटवर्किंग बिजनेस है, जो कि दोस्तों मुझे पहले नहीं पता था नेटवर्किंग क्या होती है। आज से जब मोदी कह रहा है, उससे भी 3 साल पहले की बात करूं तो मेरी वाइफ ने कंपनी को ज्वाइन किया था ऑरिफ्लेम, जिसका नाम था फ्रेंड। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसमें कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट इतने महंगे महंगे मेरी वाइफ लेके आती थी दोस्तों। और आप समझदार हो, जो बंदा 30-40-50 हजार रुपए 10 घंटे डेली के काम करने के बाद कमा के लाता है, वो 5,000-7,000 रुपए सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करे दोस्तों, आप कैसा सोच सकते हैं? बहुत बुरा लगता था मेरे को। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को यही बात बोली कि मैंने कहा ये वही कंपनी है जैसे पहले करी थी आपने, देखो कितने सामान आपने खराब करा, कितना नुकसान करा आपने। कहती कोई बात नहीं, इसमें मगर जो सामान आता है ना वो आता है डेली जो हम यूज करते हैं। मैंने कहा नहीं, मगर काम तो वही है, इसमें आप मत करो, रहने दो, जो आप हम करियाने की दुकान से सामान लेके आते हैं वही लेंगे। मगर कहते ना दोस्तों, वाइफ नहीं मानी। आप यकीन मानोगे, थोड़े टाइम जब वाइफ ने काम करा, 3rd महीने मेरे को वाइफ ने एक बात बोली कि संजय जी आप नाराज मत हो, देखो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। हकीकत में दोस्तों उस टाइम पे मेरा मूड सही नहीं था, क्योंकि मेरे को यही लग रहा था कि ये फिर स्टॉक करेगी। पर मेरे को मेरी वाइफ ने समझाया कि संजय जी आप टेंशन मत लो, मैं उतना ही सामान लूंगी कि जितना हमारे घर पे इस्तेमाल होगा। और सबसे अच्छी बात मोदी केयर की, उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि अगर हम यहाँ से 6 महीने सामान लेते हैं तो 7वें महीने मोदी केयर आपको सामान फ्री देता है। अगर 3,000 रुपए का मैं सामान लूंगी तो 7वें महीने मोदी केयर मेरे को 3,000 का सामान देगा। दोस्तों आप यकीन मानोगे मेरे को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? कहाँ सुना हमने आज तक, पहले कहीं नहीं सुना। तो दोस्तों मैंने यही बोला, मैंने कहा पल्लवी आप यकीन मानो ये पागल बना रहे हैं, कोई नहीं आएगा 7वें महीने। दोस्तों 3 महीने हो चुके थे, मैं सच बता रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने झेला मैंने इस बात को, 3 महीने और करूंगा, और 7वें महीने जब प्रोडक्ट फ्री नहीं आएंगे तो ये मोदी केयर नहीं करेगी। तो दोस्तों वही हुआ, 6 महीने पूरे हो गए, मैंने कहा आपका सामान काय करी, 7वें महीने फ्री मिलेंगे। दोस्तों वही हुआ, जब मैं आया मॉर्निंग में, उन्होंने मेरे को बताया दोपहर में कि देखो ये 3100 रुपए का सामान हमारे को फ्री मिला है। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा ये सच बताओ कि ये फ्री मिला है या पैसों का खरीद के लाए हो? कहती नहीं, मैं ये हमारे को फ्री मिला है दोस्तों। बट मैं एक चीज से संतुष्ट हो गया कि बाहर की लाइफ में देखो, हम सामान तो लेके आ रहे थे, मैंने यही सोची कि सामान हम लेके आ रहे थे, सामान मोदी केयर से भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट मैंने यूज करे बहुत अच्छे है मेरे को लगे तो। बट 7वें महीने जो सामान फ्री मिला दोस्तों, उस लालच में मैं आ गया और मैंने वाइफ को बोला ठीक है आप करो इस काम को। बट मेरे को ये नहीं लग रहा था कि यहाँ से पैसा आएगा, पैसा आए चाहे ना आए दोस्तों, 7वें महीने 3,000 के सामान तो फ्री मिल रहे हैं, 12 साल में देखा जाए 2 बार सामान फ्री मिल गया। तो मैंने वाइफ को बोला आप काम करो, ठीक है करो। दोस्तों वाइफ काम करती रही, मैं अपनी उसी लाइफ में मस्त था। सुबह 10 बजे जाता था, रात को 11 बजे आता था, कोई टाइम नहीं होता था मेरे वापसी आने का। जब मैं वापसी आता था मेरी बिटिया सो चुकी होती थी दोस्तों, आप ये लगा के चलो। बस दोस्तों लाइफ ऐसी चलती गई, वाइफ अपना कारोबार ऐसे बढ़ती रही, वाइफ बढ़ती रही, अपने लोगों से बात करती रही। दोस्तों जब इनका चेक आया दोस्तों, ये पहला चेक इनका 160 रुपए का आया था, फिर इनका 400 रुपए का आया दोस्तों, फिर 10,000 का आया, दो बार चेक ऐसे बढ़ता गया। ये अपना काम करने में मस्त थी और दोस्तों मैं अपना काम करने में मस्त था। दोस्तों आप यकीन मानोगे, जब 50,000 रुपए की मेरी वाइफ की इनकम आई थी, इन्होंने मेरे को बताया 50,000 की इनकम आई है दोस्तों, मैंने अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोला कि बहुत बढ़िया काम है, बट मैंने दिमाग में एक बात लगाई कि यार मैं इतने सालों से इतना लाखों रुपए हम दोनों ने वहां लगाया है, तब जाके मैं 50-55 हजार की इनकम पे पहुंचा हूँ, मगर वाइफ ने मेरी यार पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करा और 50,000 की इनकम पे आ गई। तो मतलब और वो भी ऐसी, मतलब मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ कि जिसको दोस्तों रास्ते तक नहीं पता, दिल्ली के रास्ते तक नहीं पता। बट वही है, बस मैंने अपनी वाइफ को नहीं बोला क्योंकि कहीं मैं छोटा ना हो जाऊं, मैं सच बताऊं। बस दोस्तों कारवा यही चलता गया, वाइफ अपनी मीटिंग वगैरह में जाती थी, 2-2.5 घंटे के बाद वापसी आ जाती थी, कई बार गुड़िया को मम्मी के पास छोड़ के जाती थी, कई बार मेरी मम्मी के पास छोड़ के जाती थी, कई बार ट्रक में छोड़ के जाती थी। बस दोस्तों वाइफ ने मेहनत करी, मैं देखता था आए दिन कभी ये फोनों में बात करती रहती है, कभी फेसबुक पे बात करती रहती है वाइफ मेरी। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा टाइम बीता दोस्तों, जब मेरी वाइफ ने मेरे को एक सरप्राइज दिया कि संजय जी इस बार मेरा चेक 1,00,000 रुपए महीने का आया है। मतलब आप दोस्तों यकीन मानोगे 1,00,000 रुपए महीना, मैं तब भी मैंने अपनी वाइफ को नहीं बोला कि मैंने कहा चलो ठीक है कब तक आएगी इनकम, पर 1,00,000 रुपए महीना दोस्तों हमारे अकाउंट में आया। पर मैंने एक बात सोची कि देखो मैं 50-55 हजार रुपए कमाता हूँ, वाइफ से मैंने बात नहीं करी थी, मैंने कहा मैं 50-55 हजार संजय कमाता हूँ, जिस दिन मेरी वाइफ की इनकम अगर 50 से 1 लाख हुई है तो ऑब्वियस है 1 लाख से 1.5 लाख भी होगी। तो जिस दिन मेरी वाइफ की इनकम 1.5 लाख हो गई उस दिन मैं फुल टाइम मोदी केयर में आ जाऊंगा। और दोस्तों वही हुआ, थोड़ा टाइम वैसे ही बीतता रहा और मेरी वाइफ की इनकम 1,59,000 रुपए महीने की आई दोस्तों, 1,60,000 रुपए महीने की। तो उस दिन मैंने फैसला लिया, मैंने अपनी वाइफ से उस दिन बोला खुल के कि मैंने कहा पल्लवी जी एक काम करते हैं, क्यों ना अगर मैं भी इस मोदी केयर में आ जाऊं तो कैसा रहेगा। तो मेरी वाइफ ने बोला बहुत अच्छा रहेगा, बट दोस्तों देखो 50-55 हजार में बाहर में कमाता था। मैंने कहा बस मेरे को एक तसल्ली हो गई कि 1 लाख पे मैंने डिसाइड किया था और मेरी इनकम आ चुकी है वाइफ के पास, 50-55 हजार मोदी केयर से आ चुका। मैंने ये तसल्ली के साथ अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार दोस्त मैं अब ये काम नहीं करूंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ मोदी केयर का काम करूंगा। और तो मेरे फ्रेंड ने ये बात बोली मेरे को, कह तू पागल है, इतने मुश्किल से हमने
ये काम जमाया है, इतना टाइम देख हमने लगाया है, तू इस इनकम को छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ही काम करूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे दिख रहा था कि मोदी केयर ही भविष्य है दोस्तों, मेरे बच्चों के सपने पूरे करने का। क्यों? क्योंकि बाहर की लाइफ में मैं 50-55 हजार सालों से मैं पूछा था दोस्तों, मगर मेरी वाइफ ने पार्ट टाइम में इस इनकम को 1,60,000 पे पहुंचाया। दोस्तों 1.5 साल पहले मैं मोदी केयर में आया था और रिजल्ट मेरा ये हमारा ये निकला कि 1 और 1 11 होते हैं दोस्तों, और आज वही इनकम हमारी 3 लाख रुपए महीने की हो गई है दोस्तों, यानी कि 10,000 रुपए पर डे। मतलब सोच के देखो, अगर मैं फुल टाइम ना आया होता तो देखो चेक तो नहीं बढ़ा होता। फुल टाइम आने का मतलब है कि हम दोस्तों दिल्ली में क्या, दिल्ली से बाहर क्या, हमने सारी जगह मीटिंग करी है वाइफ के साथ, बहुत सीखा है मैंने इस बिजनेस को, बहुत सीखा वाइफ से सीखा, सुरेखा मैम से सीखा, अपने अपने अपनी जो मेरी डाउन लाइन है उनको मैंने सीखा, क्योंकि वो मेरे से पहले से मोदी केयर को कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी केयर ने हमारे को यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कार भी दी दोस्तों, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं सोच सकता। मेरे को कार चलानी नहीं आती थी दोस्तों, मोदी केयर की पावर ये है, जिसको कार नहीं चलानी आती उसको कार दे दी। बाहर की लाइफ में दोस्तों लोगों के पास रोकड़ा नहीं होता, गाड़ी चलानी आती है मगर रोकड़ा नहीं होता, पैसा नहीं होता गाड़ी लेने के लिए, मोदी केयर ने कार दी। दोस्तों अगर मैं बात करूं विदेश फंड जाने की, तो दोस्तों मोदी केयर 3 बार हमारे को विदेश ले गया है, 3 बार विदेश ले गया दोस्तों। और अब घर की बात करूं दोस्तों, शादी से पहले हम 4,000 रुपए के घर में रहते थे फ्रेंड किराए पे, आज अगर मैं बात करूं तो उस घर में रहते हैं जो 1 BHK का दोस्तों, वो भी मम्मी पापा ने दे रखा है हमारे को। मगर मोदी केयर की पावर की बात करूं तो आज हम बहुत जल्दी यहां से 1.25 करोड़ का घर लेने वाले हैं दोस्तों। ये है मोदी केयर की पावर, बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि यही है मोदी केयर की पावर। ओवर टू यू राधिका जी। वाओ सर, मजा आ गया आपको सुनकर तो, मतलब मैं तो यही बोलूंगी, जब जागो तभी सवेरा। आपकी स्टोरी से एक यही इंस्पिरेशन मिलती है कि जब मोदी केयर समझ में आ जाए ना, बस स्टार्ट कर दो। जैसा कि हमारी सुरेखा मैम बोलती है कि समझ में आए तो भी करो, नहीं आए तो भी करो, कर लीजिए। वाओ, वेरी नाइस सर। इसी के साथ सर हम आज का सेशन बढ़ाते हैं। सर मेरे पास में एक क्वेश्चन आता है, बहुत मतलब लोग पूछते हैं कि हम लोग मतलब एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं आपसे वो पूछ सकती हूँ क्या सर? बिल्कुल पूछिए मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि पूछते हैं लोग कि हम सालों से ना बाहर से हम लोग बहुत सर्फ साबुन तेल अपने घर गृहस्थी के जो सामान होते हैं हमारे डेली नीड्स के, वो हम सब लेते हैं, लेकिन आज से पहले किराना स्टोर है, बड़े बड़े स्टोर है, हमने इतना सामान खरीदा लेकिन कभी किसी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया हमें, तो पैसे की तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन मोदी केयर से भी हम डेली नीड्स के ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ऐसा क्या है मोदी केयर में कि वो हमें पैसा रिटर्न देता है? तो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप मेरे सॉल्व कर पाए तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी आज। राधिका जी आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ये हकीकत में ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता होगा कि मोदी केयर ऐसा क्या करता है जो हम प्रोडक्ट लेने के बाद मोदी केयर से पैसा कमा सके, क्योंकि बाहर की लाइफ में तो काफी टाइम से पैसा मतलब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि दोस्त, मतलब इसका सवाल मैं अगर बात करूं राधिका जी, तो जो मैं आज ट्रेनिंग देने जा रहा हूं उसके अंदर ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं देरी ना करते हुए आपके सामने एक स्लाइड से मतलब ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रेंड, और इस ट्रेनिंग के साथ मैं आपको राधिका जी का क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा और आप सभी के काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मोदी केयर दोस्तों कैसे पैसा देता है और कैसे हम अपने खर्चे को इनकम में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग को। दोस्तों देखिए, कन्वर्ट यूर एक्सपेंसेस इंटू इनकम, दोस्तों अपने खर्चों को इनकम में बदलना है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों महंगाई की, कॉस्ट ऑफ लिविंग। फ्रेंड देखिए, अगर मैं महंगाई की बात करूं, देखो महंगाई तो बढ़ ही रही है और बढ़ती ही जाएगी। अगर मैं बात करूं 1960 की, तो दोस्तों 100 रुपए में घर खर्च चलता था। 1980 में अगर हम आ गए तो 1,000 रुपए चाहिए हमारे को घर खर्च करने के लिए। और अगर मैं 2000 सन की बात करूं तो हमारे को 10,000 रुपए चाहिए होता था दोस्तों घर खर्च करने के लिए। और अगर आज की बात करें फ्रेंड 2021 की, तो 1,00,000 रुपए हमारे को दोस्तों घर खर्च के लिए चाहिए। खर्च करके नहीं, सिर्फ घर खर्च के लिए चाहिए फ्रेंड, इसमें हम कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। कहीं हम सोचे हम BMW मर्सिडीज कोई करोड़ों का विला घर, नहीं दोस्तों, जो हम पहले ही अपने घर में सिर्फ एक अपनी डेली जरूरतों का सामान लेके आ रहे थे उसी 1,00,000 रुपए से दोस्तों आज के टाइम पे वही पूरा हो सकता है। बस
आज के टाइम पे सेकंड सोर्स इनकम दोस्तों 65% बंदा ढूंढ रहा है। क्यों क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि दोस्तों महंगाई बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही, और वैसे भी कोरोना ने बता दिया कि एक इनकम के ऊपर तो कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये देखिए आप यहाँ पे कोटेशन लग रही है, 65% बंदा सेकंड सोर्स इनकम ढूंढ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। और दोस्तों हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं आपसे, दुकान बदलो और पैसा कमाओ। सिर्फ दुकान बदलनी है आपको और पैसा कमाना है। अगर मैं बात करूं शॉपकीपर दोस्तों, 2010 से अगर मैं पहले की बात करूं तो देखो ऐसी दुकान होती थी हमारे यहाँ पे करियाने की, जिसको दोस्तों लाला की दुकान और परचून की दुकान बोला जाता था, जहां पे हम जाते थे 500 रुपए का नोट लेके जाते थे और 500 रुपए का सामान ले आते थे और अपने घर पे। फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बिग बाजार आया, रिलायंस फ्रेश आया और ना जाने कितने मॉल आए। इन्होंने कस्टमर को अटैक किया। क्यों कैसे? कि एक ही जगह आपको सारा सामान मिल जाता है। एक ट्रॉली ली हमने, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, थोड़ी सी ऑफर दे दी, यही दिया ना। बट हमने क्या करा, लाला की दुकान छोड़ के बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश चले गए, क्योंकि वहां हमारे को सारा सामान मिल जाता था, डिस्काउंट मिल जाता था। बट उसके बाद क्या आया दोस्तों, उसके बाद आया अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोस्तों, घर पे आप बैठो, ऑर्डर लगाओ, 2 से 3 दिन में आपके घर पे शॉपिंग का आपका सामान आ जाएगा। बट दोस्तों आपने 3 जगह शॉपिंग चेंज करी, आपने शॉपिंग करने का तरीका चेंज किया दोस्तों, बट इनकम नहीं आई, इनकम नहीं आई, आपका पैसा तो जा रहा था। अब इनकम क्यों नहीं आई दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मतलब दोनों में अगर मैं फर्क बताऊं फ्रेंड, तो जो आप सामान लेते हुए आ रहे हैं सालों साल से, जो सामान लेते हुए आ रहे हो वो आप ट्रेडिशनल मार्केट से लेके आ रहे हो। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट की, तो 35 रुपए का सामान दोस्तों कंपनी उसको बनाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर तक आते आते फ्रेंड वो 45 रुपए का हो जाता है, होलसेलर तक आते आते 65 रुपए का, रिटेलर तक आते आते 75 रुपए का, और दोस्तों आपके हाथों में आते आते ये सामान 100 रुपए का हो जाता है। दोस्तों अब आप बताइए आप पैसा कहाँ से कमाएंगे, कौन पैसा कमा रहा है? अब आप सुनिए, 35 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में मिला, यानी कि 100 रुपए के सिर्फ खर्चे के ऊपर मैं बात करूं तो यानी 65 रुपए का खर्चा ये जो बीच के मिडिल मैन है, और सबसे बड़ी बात जो हमारी टीवी में एड आती है ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन जी दोस्तों, ये अपने घर ले जाते हैं, हम नहीं ले पाते। बट मोदी केयर क्या कहता है आपको, मोदी केयर ये कहता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको ये कहती है कि 35 रुपए का सामान ही आपको मोदी केयर भी देता है और 100 रुपए में ही देगा। बट ये नहीं कह रहा कि मोदी केयर में आपको 35 रुपए का सामान 45 में दूंगा, नहीं 100 रुपए में दूंगा, बट जो 65 रुपए है दोस्तों वो बाहर में ना बटके आप जैसे और हम जैसे आम इंसानों में बटेगा। मतलब कि सोचिए, आम इंसान का मतलब कि हम ही अपने स्टार है, हम ही अपने होलसेलर है, हम ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर है। दोस्तों बात करते हैं खर्चों की। अगर मैं बात करूं एक मिडिल क्लास फैमिली की दोस्तों, 5,000 रुपए महीने का खर्चा मान के चलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ 70 साल का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो दोस्तों 42 लाख रुपए का हम सामान लेके आते हैं। बट 42 लाख रुपए में से मोटा अमाउंट जिसे कहते हैं ना 29,40,000 रुपए फ्रेंड, 29,40,000 रुपए बाहर की लाइफ में हम उन मिडिल मैन को बांट के आ रहे हैं। सोच के देखिए दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट, 70% हम बाहर की लाइफ में उनको देके आ रहे हैं। अगर कोई कहता है मेरे घर में 5,000 का सामान नहीं आता, मैं लोअर मिडिल क्लास पे आ जाता हूँ फ्रेंड, 3,000 रुपए का सामान अगर वो लेके आता है दोस्तों, तो ये देखिए 70 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों देता हूँ, 25,20,000 का सामान वो लेके आता है दोस्तों, और ये देखिए 17 लाख करीबन 60,000 रुपए का मतलब वो बाहर पैसा देके आ जाता है, मतलब 70% पैसा वो बाहर की लाइफ में देके आता है दोस्तों। अब नाउ यू कैन टर्न योर एक्सपेंसेस इनटू इनकम। दोस्तों अपने खर्चों को इनकम में बदलने की बारी आ गई है दोस्तों, आपको क्या करना है, मोदी केयर सुपर स्टोर। दोस्तों देखिए मोदी केयर सुपर स्टोर से आपको वैसे ही सामान लेना है जैसे आप बाहर की लाइफ से ले रहे हैं। दोस्तों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, आपने दुकानें चेंज करी है ना बाहर, पहले लाला की दुकान, फिर मॉल, फिर फ्लिपकार्ट, तो दोस्तों सुपर मोदी केयर सुपर स्टोर से आप अपना सामान खरीदिए। दोस्तों यहाँ पे भी ऑनलाइन परचेजिंग होती है, आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और आपको घर पे भी डिलीवरी मोदी केयर करता है। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों वो हल्के में बिल्कुल मत लेना, मैं बात कर रहा हूँ मोदी ग्रुप की। दोस्तों राय बहादुर गुज्जरमल मोदी जी ने 1933 में इसकी स्थापना की थी फ्रेंड, इसकी स्थापना 1933 में हुई है। जी हाँ दोस्तों, आजादी से भी पहले का ये ग्रुप है फ्रेंड, 63,000 करोड़ इसके ग्रुप है फ्रेंड, 63,000 करोड़ का दोस्तों ये ग्रुप है, और 90 से भी ज्यादा कंट्रियों के अंदर दोस्तों इनके बिजनेस चल रहे हैं। 28,000 वर्कर दोस्तों, 28,000 वर्कर मोदी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों, मोदी केयर पार्ट है मोदी ग्रुप का। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे समीर सर जी की। दोस्तों ये मोदी केयर के MD है दोस्तों और चेयरमैन मोदी केयर इंटरप्राइजेस। दोस्तों 63,000 करोड़ के ये मालिक है, और इंडोफिल केमिकल, कलर बार, गुड फ्राई क्लिप्स इंडिया लिमिटेड 24/7 और ना जाने दोस्तों इनके कितने बड़े बड़े बिजनेस है। और दोस्तों मोदी केयर का ड्रीम है फॉर्च्यून 500 मैगजीन में आने का।
दोस्तों मोदी केयर की अगर प्रोडक्ट की रेंज की मैं बात करूं तो 12 कैटेगरी के अंदर दोस्तों ये डील करता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो हेल्थ एंड वेलनेस, वेलनेस के अंदर कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेज और पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ऑटो केयर, ज्वेलरी और टेक्नोलॉजी और SM वॉचेस दोस्तों। मतलब ये देखिए आप, इतनी कैटेगरी सुबह से लेकर दोस्तों रात तक के प्रोडक्ट मोदी कर देता है। और क्या चाहिए हमारे को दोस्तों, हम कहाँ जाए, मॉल में क्यों जाए दोस्तों हम। अब बात करते हैं दोस्तों बाहर की दुकान की और मोदी केयर की। अगर आप बाहर की दुकान से दोस्तों एक साबुन भी लेते हैं ना, तो आपको वो गारंटी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि दोस्तों आप अगर एक साबुन भी लेके आए, आप नहाए घर पे आके और आपको वो समझ नहीं आया, तो आप उसको कहीं फेंक देंगे, वापसी नहीं करेंगे। बट मोदी केयर कहता है एक महीने आप उसको 25% यूज करो दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आता तो मोदी केयर को रिटर्न कर देना। डिस्काउंट आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मोदी केयर के प्रोडक्ट के ऊपर आपको 20% तक दोस्तों डिस्काउंट मिलता है। ऑफर की बात करूं, कोई ऑफर नहीं मिलता बाहर। 10% तक आपको ऑफर देता है मोदी केयर दोस्तों। कैशबैक की क्या बात करूं, कोई कैशबैक तो सुना भी नहीं होगा आपने। 5% मोदी केयर आपको कैशबैक देता है। और लॉयल्टी फ्रेंड, जिससे मैं मतलब इंप्रेस होकर इस बिजनेस में आया था, मेरा फेवरेट है दोस्तों लॉयल्टी, कि आपको 3,000 का सामान 6 महीने खरीदना है और छठे सातवें महीने आपको 3600 रुपए का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये बेनिफिट देता है मोदी का दोस्तों। इतना ही नहीं, यहाँ से आप 10 तरीके की इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप 10 तरीके की इनकम कमा सकते हैं। अप टू दोस्तों 20% सेविंग आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे MRP पे बताया। 20% रिटेल प्रॉफिट कर सकते हो। 7 से 16% आप यहाँ से बोनस कमा सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। 4% बोनस पूल कमा सकते हो, टीम बिल्डर बोनस 14% दोस्तों, और 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कमा सकते हो। 3% आप यहां से बाहर जाने का विदेश का पैसा ले सकते हो। 5% व्हीकल फोन व्हीकल गाड़ी के लिए पैसा देता है आपको मोदी का दोस्तों। 3% देता है आपको घर के लिए पैसा, जो कि हमें भी दे रहा है। और 2% अटूट बंधन बोनस दोस्तों। इतना कुछ दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मोदी केयर की जर्नी की दोस्तों, 4 साल ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 साल पीछे जाते हैं कि 2014 से और 15 के बीच में अगर 95 करोड़ का बिजनेस करा दोस्तों मोदी केयर ने, तो 2018 और 19 के बीच में दोस्तों देखिए 1,000 करोड़ का बिजनेस किया दोस्तों। कितना बड़ा, मतलब कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों मोदी केयर, ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो 2016 में मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को फ्रेंड, तब 270 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर किया था और मेरी वाइफ की चेक आता था 160 रुपए का। बट आज देखिए दोस्तों, मैं आज की बात कर रहा हूँ, हमारी इनकम यहाँ से 3 लाख रुपए हो गई दोस्तों। मोदी केयर तेजी से ग्रोथ कर रहा है और अपने साथ लोगों को भी ग्रोथ करा रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, मोदी केयर ने लॉकडाउन के अंदर भी अपनी स्टोरी को इतिहास रचा है फ्रेंड, जहां पे लोगों की जॉब जाने की संभावना हो रही थी, सैलरी की आधी कट के मिल रही थी, मतलब लोगों को बहुत टेंशन हो गई थी फ्रेंड। अप्रैल की बात कर रहा हूँ 2020 की, तो 122 करोड़ का बिजनेस किया दोस्तों। हाँ जी, जी हाँ, एक महीने की बात कर रहा हूँ फ्रेंड। अगर अगस्त की बात करूं तो 176 करोड़ का, सितंबर की बात करूं तो 194 करोड़ का, और अक्टूबर की बात करूं तो 230 करोड़ का बिजनेस किया दोस्तों मोदी केयर ने। अब खुद लगाइए मोदी केयर कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे की बात करूं 2025 की फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, तो मोदी केयर कहता है मैं 15 से 20 हजार करोड़ का टर्नओवर होगा दोस्तों। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से मोदी केयर ग्रोथ कर रहा है, वो ये होना तो तय है। अब ये होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा ना तो 4 से 5 हजार करोड़ दोस्तों ये पैसा बटेगा। और पैसा किसमें बटेगा? जो मोदी केयर कर रहा होगा। बस आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि 4 से 5 करोड़ का आपको हिस्सा बनना है नहीं बनना दोस्तों। लाखों मोदी केयर कंसल्टेंट दोस्तों यहाँ से करोड़पति बनने वाले हैं दोस्तों। देखिए, अब मैं आपको कुछ लीडर से यहाँ मिलवाना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने मोदी केयर को स्टार्ट किया और यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रश्मिता जी एंड गोपाल जी की, जो यहाँ से करीबन 6,75,000 रुपए कमा रहे हैं। हमारे संजय बगारिया जी यहाँ से 16,81,000 रुपए कमा रहे हैं। हमारे जिशाद बक्कर जी दोस्तों यहाँ से 28,86,000 रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। और अब मैं बात करता हूँ विशाली राघव शेट्टी जी की दोस्तों, 7.5 लाख रुपए अप्रोक्स यहाँ से कमा रहे हैं। और अब बात करी जाए दिव्याधर शेट्टी जी सर की, तो 13,92,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं यहाँ से। और गणेश जी की अगर मैं बात करूं तो 14,24,000 रुपए दोस्तों। ये सबका पे आउट महीने का है दोस्तों, बिल्कुल महीने की इनकम है यहाँ से ये। अब बात करते हैं दोस्तों न्यू सुपर स्टोर। आपको एक न्यू सुपर स्टोर मिलने जा रहा है दोस्तों, आप खोलने जा रहे हो, आपने स्टार्ट किया दोस्तों,
आपने 10 बंदों को स्टार्ट करवाया, दोस्तों 10 बंदे भी जब आप बात करेंगे तो 10 बंदे भी 20 बंदों से बात करेंगे, धीरे 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 50 होगा, धीरे धीरे 100 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, 5000 होगा और 10000 होगा। दोस्तों इसमें जितने ज्यादा आपकी टीम के अंदर बंदे होंगे, जितने आप जितने जितने लोगों की मतलब मैं अगर कहूं दुकान चेंज करवाओगे तो उतना बड़ा पैसा आप मोदी केयर से कमा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी टीम में 10000 बंदे आ गए और हर एक बंदे ने दोस्तों 2500 रुपए का सामान लिया, 2500 रुपए का सामान लेता है बंदा, तो एक बंदे को 1000 बीवी मिलता है, यानी कि 10000 बंदों को 1000 बीवी के हिसाब से 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा दोस्तों। तो आपकी इनकम सोचिए दोस्तों 10 लाख रुपए महीने की होगी फ्रेंड। जी हाँ, 10 लाख रुपए महीने की। यहां से दोस्तों इतना ही नहीं, यहां से आपको फॉरेन ट्रिप के लिए भी पैसा मिलता है, फ्री कार के लिए भी पैसा मिलता है, हाउस फंड की बात करूं मैं, घर के लिए भी पैसा मिलता है दोस्तों, और मान सम्मान की बात करूं जिसका हर कोई भूखा होता है दोस्तों, मान सम्मान बहुत मिलता है मोदी केयर में। यहां से दोस्तों मैनी पीपल आर सक्सेसफुल जस्ट बाय चेंजिंग देयर शॉप। दोस्तों यहां से लोगों ने, काफी लोगों ने शॉप को चेंज किया और अपनी लाइफ चेंज करी दोस्तों, आप भी दोस्तों अगले हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, डीएसपी इन सीबीआई नो रिटायर्ड दोस्तों अलोक जी एंड मिताली जी। दोस्तों इन्होंने 2017 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक साल के अंदर दोस्तों एक साल के अंदर यहाँ से ये 3,39,000 की इनकम पर पहुंचे और एक फॉरेन ट्रिप यहाँ से ये ले चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर भी कामयाब है। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर की, डॉक्टर अशोक जी एंड शोभा पंजाबी जी दोस्तों यहाँ से 6 लाख रुपए इनकम यहाँ से पर मंथ की ले रहे हैं, 2 कार यहाँ से अचीव कर चुके हैं और 17 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुके हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे डॉक्टर जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे दोस्तों एक गली में जैसे कि मोदी, अगर मैं बात करूँ विजय अग्रवाल जी की दोस्तों, मोदी के में आने से पहले ये गली में जाके एक पानी के पाउच बेचा करते थे दोस्तों। इनको आज इन्होंने मोदी केयर को दोस्तों स्टार्ट किया, तो दोस्तों ये लगाइए यहाँ से ये 6.5 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहे हैं दोस्तों। अब हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं, मुनीश चोपड़ा जी एंड पूजा चोपड़ा की, जो कि दोस्तों अमृतसर से बिलोंग करते हैं। करंट इनकम दोस्तों इनकी 10,20,000 रुपए के करीब है और जैगुआर कार यहाँ से अचीव कर चुके हैं 63 लाख रुपए की। दोस्तों अक्षय दत्ता जी की मैं बात करूं तो 26 साल की उम्र में है दोस्तों ये, और 13,85,000 रुपए कमा रही है, 68 लाख रुपए की जैगुआर अचीव कर चुकी है फ्रेंड, और बहुत ही जल्दी 1 करोड़ की पोर्शे कार यहां से लेने वाली दोस्तों। बिल्कुल 26 साल की उम्र में दोस्तों, बाहर की लाइफ में लोगों को पता नहीं होता कि 26 साल की उम्र में हमने करना क्या है दोस्तों, मगर यहां पे देखिए 26 साल की उम्र में 14 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक ऑर्डिनरी मैन की। दोस्तों ये ऑर्डिनरी मैन यहां पे सेलिब्रिटी कैसे बने दोस्तों, देखिए हमारे संतोष जी दोस्तों इन्होंने यहां से 1 करोड़ की यहाँ से पोर्शे कार ले चुके हैं और करीबन 19 लाख रुपए दोस्तों यहाँ से ये पर मंथ का कमा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 0-2 मिलियनियर, अगर दोस्तों प्रमोद चार्य हमारे ओडिशा से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और 40 लाख रुपए महीने का यहाँ से कमाते हैं दोस्तों, और मोदी मर्सिडीज कार के ऑनर है ये यहाँ से। अब बात करते हैं दोस्तों सुरेखा भार्गव मैम की, इनको कौन नहीं जानता दोस्तों, इन्होंने लाखों लोगों की यहाँ से जिंदगी चेंज करी दोस्तों। इन्होंने 25 साल पहले एक डिसीजन लिया कि अपने घर की दुकान को चेंज किया, और दोस्तों इन्होंने आज जो अमाउंट यहाँ से ये पे आउट ले रहे हैं दोस्तों, सोच के देखिए 1,27,00,000, सिर्फ 25 साल अपनी लाइफ को दिए, दोनों बोलने को होता है 25 लाख दोस्तों, आधी लाइफ दे उम्र होती है 25 साल। बट देखिए यहाँ पे बेनिफिट देखिए, जब इनके बेटे निशांत भार्गव जी इस बिजनेस में आए तो दोस्तों उन्होंने शुरुआत किससे करी, वॉल्वो से। आप ये देखिए बाहर की लाइफ में अगर कोई 25 साल नौकरी कोई अपना काम भी करता है दोस्तों, तो उसका बच्चा वो नहीं कर पाता जो वो कर रहा होता है, उसको जीरो से दोस्तों स्टार्ट करनी होती है। ये है दोस्तों मोदी केयर की पावर। और देखो जिसने भी मैंने आपको अचीवर बताया दोस्तों, कोई करोड़ कमा रहा है, कोई 15 लाख, कोई 10 लाख, दोस्तों इन्होंने क्या करा, सिर्फ अपने घर की दुकान चेंज करी और लोगों की दुकान चेंज करवाई। दोस्तों पैसिव इनकम की अगर मैं बात करूं, पैसिव इनकम दोस्तों यही होती है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि आराम से बंदा सो रहा है और उसने टूटी लगा रखी है, टूटी से नोट निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों पैसिव इनकम यही है दोस्तों, आराम से सोते रहो, पैसा आता रहेगा जिंदगी के साथ भी दोस्तों और जिंदगी के बाद भी दोस्तों। जी हाँ, जिंदगी के बाद भी मोदी केयर पैसा देता है दोस्तों, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ मिस्टर चंदनपाल, लेट चंदनपाल जी की दोस्तों, ये पहले एनजीओ में जॉब करते थे फ्रेंड, 15,000 रुपए इनकी सैलरी होती थी। 2018 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के कारण, मगर इनकी खुश नसीबी ये थी दोस्तों, इनकी फैमिली की खुश नसीबी ये थी कि 2017 में इन्होंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था और एक कार यहाँ से ले चुके हैं, 2 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुके हैं और 90,000 से मतलब इनके घर में पे आउट जा रहा है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ हमारे वीरू भैया दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता। अभी हाल ही में इनकी कोरोना से मृत्यु हुई है दोस्तों। ये पेशे से एक टेलर थे,
पेशे से एक टेलर थे दोस्तों और आठवीं पढ़े हुए थे। अगर आज इन्होंने मोदी केयर को ना स्टार्ट किया होता दोस्तों तो 5,12,000 का पे आउट इनके घर में नहीं जा रहा होता दोस्तों, इनकी फैमिली के काम नहीं आ रहे होते पैसे ये। अगर मैं बात करूं चक्रपाणी जी की दोस्तों, इन्होंने इनकी मृत्यु 2019 में हुई थी दोस्तों, पर आप ये देखिए 2019 में इनकी मृत्यु हुई और इनकम 2021 में 1.5 लाख रुपए आई। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कांता शाह जी की दोस्तों। कांता शाह जी हमारी एक हाउस वाइफ हुआ करती थी, इनके हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उनकी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई और उनकी भागदौड़ इनकी वाइफ ने संभाली दोस्तों, और आज महीने का 3 लाख रुपए पे आउट ले रही है। सोच के देखो दोस्तों, इनमें से अगर किसी ने भी मोदी केयर को स्टार्ट ना किया होता तो ये इतने बड़े बड़े अमाउंट दोस्तों ये इनके घर में नहीं जा रहे होते दोस्तों। आफ्टर ट्रेनिंग, मैं अगर ट्रेनिंग की बात करूं दोस्तों, देखो सीख कर तो दोस्तों आप एरोप्लेन भी चला सकते हो और बिना सीखे तो दोस्तों आप साइकिल भी नहीं चला सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको जानवर दोस्तों, देखिए जानवर सीख कर साइकिल गाड़ी रिक्शा चला सकता है तो दोस्तों हम तो इंसान हैं, हम तो दोस्तों इंसान हैं, इंसान सीख कर क्या नहीं कर सकता। और सीखने के लिए दोस्तों हमारी टॉप अर्नर सुरेखा भार्गव मैम हमेशा तैयार रहती है, हमारा मोदी का सिस्टम हमेशा तैयार रहता है। एवरी संडे 6:30 बजे दोस्तों परिवर्तन होता है हमारी सुरेखा मैम का, कि आप अपने अपने नए गेस्टों को लाइए, परिवर्तन दोस्तों उनको दिखाइए और उनकी लाइफ में परिवर्तन कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए मोदी केयर को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए, आपको कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है। अगर मैं बात करूं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी एक आईडी दीजिए और मोदी केयर के साथ जुड़ जाइए और साथ में पैन कार्ड दीजिए। और पहली शॉपिंग अपनी 3,000, 5,000, 14,000 जितनी आपको जरूरत हो दोस्तों घर की उसके साथ स्टार्ट कीजिए दोस्तों, पहला स्टेप अपना स्टार्ट करिए। और दोस्तों मोदी केयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना कि हमने तो सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट लिए है, सिर्फ घर की दुकान बदले, नहीं दोस्तों घर की दुकान तो बदल रहे हो दोस्तों मोदी केयर से, आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो फ्रेंड, अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछना चाहूंगा कि इफ नॉट मोदी केयर देन व्हेन, दोस्तों मोदी केयर नहीं करोगे तो क्या करोगे, अगर सपने आपके हैं दोस्तों तो मोदी केयर भी आपको ही करना पड़ेगा। इफ नॉट मी देन हु, मतलब दोस्तों अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। देखो सपने भी आपके हैं, फैमिली भी आप ही की है, तो आप ही को करना पड़ेगा। इफ नॉट नो देन व्हेन, दोस्तों अब नहीं तो कब। मेरे को आप एक छोटी सी बात बताइए, देखो महंगाई बढ़ रही है, समय का पहिया घूमे जा रहा है जो कभी नहीं रुकेगा, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों, अभी मोदी केयर को स्टार्ट कीजिए दोस्तों और अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू राधिका जी। यस सर, आपको क्लियर हो गया होगा? यस सर, बिल्कुल मेरे को क्लियर हो गया है कि मोदी केयर हमें पैसा क्यों देता है और बाहर के लोग हमें पैसा क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बाहर इतने मिडलमैन होते हैं कि हमारी जेब का पैसा उनके पास चला जा रहा है, लेकिन मोदी केयर के अंदर मिडलमैन कोई नहीं, हमें डायरेक्ट हमारे पास कंपनी से आता है, तो वो बीच का जितना पैसा है एज अ बोनस, एज अ गिफ्ट, वो सब हमको ही रिसीव हो जाता है। सो सर मेरे को तो बिल्कुल मेरे ये डाउट पूरा क्लियर हो चुका है। आई होप आज जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और जिनके अंदर मन में ये डाउट था, सभी का डाउट सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने सबको ये चीज बताई है। सो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे तरीके से आपने बताया। और आपकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो आपने बोली कि मोदी केयर कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के साथ भी चल रहा है और जिंदगी के बाद भी चलेगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमें अपने फैमिली की टेक केयर अपनी जिंदगी के बाद भी अगर करनी है ना, तो मोदी केयर को सीरियसली बिल्ड कीजिए और अपनी फैमिली की लाइफ और अपनी लाइफ बिल्कुल सिक्योर कीजिए। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो हमारी फैमिली की टेक केयर करने वाला कोई है। सो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हमें सर ने दी आज की, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर की। आइए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और मैं आज के जो हमारे स्टार हैं, मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करने जा रही हूँ, जिनका नाम है मिस्टर धीमंत कपाड़िया सर एंड मिसेस रश्मि कपाड़िया मैम। उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र के फर्स्ट जीवीडी हैं। सोचिए दोस्तों, महाराष्ट्र के फर्स्ट जीवीडी और 10 से 12 करोड़ की इनकम वो मोदी केयर से अब तक ले चुके हैं। वंस ईयर क्लब के मेंबर हैं, स्मैक मेंबर हैं। दोस्तों अगर बात करूं उनके सपने की, जैसा कि रश्मि मैम
उनके सपने बहुत बड़े थे, वो मतलब पर्सनैलिटी ग्रोथ होने चाहिए थी, बहुत लग्जरी लाइफ होने चाहिए थी, तो उनके सपने थे, तो उनके सपनों ने इस बिजनेस को बिल्ड करने में उनकी बहुत मदद करी। जैसे कि बोलते हैं ना, अगर सपनों में जान हो ना तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वही हमारे सर और मैम ने किया। और जो हमारी मैम है वो एक हाउसवाइफ थी और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में कन्वर्ट हो गई, और आज हजारों लाखों लेडीज की, वुमेन्स की वो इंस्पिरेशन है। सो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे स्टार की। वेलकम सर एंड मैम। थैंक यू सो वेरी मच राधिका जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सच अ लवली इंट्रोडक्शन। दोस्तों नमस्कार, गुड मोदीकर मॉर्निंग। मैं कहूंगी एक डिसीजन जिंदगी को इतना बदल दिया है, एक सही डिसीजन। हर बार हम ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा कितनी बदल गई है। दोस्तों मैं इतना बोल नहीं सकती थी, बहुत डर लगता था क्योंकि मैं बहुत साल से हाउसवाइफ थी, लेकिन यहाँ पे सपने पूरे होते हैं वो देख लिया था। जब बिजनेस देखा था तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें लगेगी, तो वो कस्टमर बनेंगे, फिर खुद को इनकम चाहिए, ये एक अंदाज से बोलते ना, एक होप से शुरू किया था। लेकिन फर्स्ट ईयर से ही हमें लगातार मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप्स मिली हैं, हमने अपनी गाड़ियां खरीदी, फोर्थ कार हमारी ऑडी है, लेकिन नेक्स्ट गाड़ी ऑलरेडी हम ड्यू हैं खरीदने के लिए। घर खरीदा, तो हमने घर खरीद लिया। नॉर्मली कोई भी इंसान अगर घर खरीदता है तो बैलेंस खत्म हो जाता है हमारा। ये है कि एक घर खरीद लिया, फिर और ड्रीम्स बड़े हुए, तो हमारा हाउस फंड और जमा होता गया, इनकम और जमा होते गई। आज ये सिचुएशन है दोस्तों, फंड ज्यादा है, हम सपनों का घर जितना बड़ा सोच सकते हैं, ऐसी जिंदगी हम सोच नहीं सकते। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके जितने भी सपने हैं, आप कितना भी बड़ा सोच लिए, उससे भी बड़ी लाइफ आपको देगा मोदी के। हम जो सर्कल बताते हैं नॉर्मली, ये हमारे सपनों का सर्कल और इससे बड़ी इनकम सर्कल, लेकिन इनकम उससे और भी बड़ी, कि और बड़ा सोचो, और बड़ा सोचो, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस, हमेशा हमें ये एक्सपीरियंस होता है, अरे अभी अभी हमने एक ड्रीम पूरा किया, आज तैयार है दूसरे ड्रीम के लिए। और कॉन्स्टेंटली सपनों में जी कर अचीव करना एक अफलातून लाइफ है। हम सोच नहीं सकते कि कितने सारे लोगों की जिंदगी को बदलाव लाकर हम ये अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आज लाखों लोगों को कुछ अचीवमेंट, कुछ रिकग्निशन, कुछ बिजनेस में माइंडसेट पॉजिटिविटी, ये सब सिखा सिखा कर और खुद भी ये सीख सीख कर फॉलो करके आज जो बेहतरीन जिंदगी है, इतना शब्द नहीं है बताने के लिए। सो दिस इज वॉट इज मोदी केयर। दोस्तों आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं, ये फ्यूचर आपके लिए भी है, और हमने जितना समय लिया आप उससे बहुत कम समय में इसको अचीव करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द कंसल्टेंट्स एंड गेस्ट हु आर देयर, आपकी भी जिंदगी इस तरीके से बहुत बेहतरीन होगी। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, ये है एक और गिफ्ट जो मोदी केयर ने हमें दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन आएगा जब रश्मि हजारों लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंटली और इतना मोटिवेशन के साथ बोल पाएगी, तो बड़ी खुशी होती है। मेरा नाम है धीमंत कपाड़िया। संजय जी, आज आपने हमें बहुत इंस्पायर किया है आपकी स्टोरी सुनकर। और मेरे बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं इंजीनियर हूँ, मैनेजमेंट किया है, MBA ग्रेजुएट हूँ, और गोडेजन बॉयज में अच्छी सी जॉब थी, वेल सेटल था, कभी भी बैग रेडी होती थी कंपनी के कहने पर, मैं फ्लाइट से यहाँ से वहाँ जाना होता था, और कोई शिकायत नहीं थी। जब हमारी पहली डॉटर पैदा हुई तो 2 महीने के बाद जब वो घर आई और मैं उसके साथ खेल रहा था, और उसने मेरी उंगली पकड़ ली, और उंगली पकड़ ली, छोड़ नहीं रही थी जैसे बच्चे छोड़ते नहीं है, और मुझे कंपल्सरी उसका हाथ छुड़ा कर फोर्स से घर से निकलना पड़ा, और मैं रास्ते में कहीं पर रुक कर रोने लगा कि यार क्या फायदा इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद अगर मैं नौकरी की गुलामी करता रहूंगा तो ये तो जिंदगी बहुत खराब है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो एक दिन मैंने रिजाइन कर दिया और फिर सोचने लगा कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। इस एक ड्रीम के साथ जर्नी शुरू की बिजनेस की, और रास्ते में हमें मिला मोदी केयर। जब मोदी केयर देखा तो सारे बिजनेस साइड पर रख दिए और एक और ड्रीम पैदा किया कि आज के बाद जो भी बिजनेस करूंगा और वो मोदी केयर ही होगा, तो उस मोदी केयर बिजनेस में मैं और मेरी वाइफ
हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे उसी दिन फैसला किया था। लेकिन चैलेंज ये थी कि रश्मि को कॉन्फिडेंस नहीं था, बोलने से डर लगता था और किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन वो मीटिंग्स अटेंड करती गई, उस समय ये जूम मीटिंग नहीं हुआ करती थी, सारी मीटिंग्स के लिए हमें हॉल में आना पड़ता था, दो बच्ची को लेकर वो मीटिंग में आती थी, ट्रेनिंग पाती थी, वापस जाती थी, पूरा मैं बोलता था और कभी कभी बीच बीच में मेरे बोलने में से आई थिंक सर के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है। ओके दोस्तों, हम जैसा कि सर एंड मैम को सुन रहे थे, जितना भी अब तक हमने सुना समझ में आ गया कि उन्होंने अपने सपनों के लिए अपनी जी जान लगाई है और यही काम हम सभी को करना है। हम सभी को अपने सपने, क्योंकि यहाँ से हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ पे हमें केवल अपने सपने इन्वेस्ट करने हैं, हमें यहाँ पे और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अपने सपनों के लिए जी जान लगाइए और सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन। दे आर बैक, दे आर बैक, यस सर, यस अल्लाह जी, थैंक यू सो वेरी मच। सुरेखा जी थैंक यू, राधिका जी। और दोस्तों, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मैं ये कह रहा था कि जिंदगी का एक जो मेजर सपना था, समय की आजादी, दो 22 लाख के नुकसानी के साथ मोदी केयर किया, उस समय एक ही विजन था कि हिंदुस्तान में एक बार वापस दूध की नदियां बहेगी, सोने की चिड़िया होगी, ये हिंदुस्तान आजाद होगा। ये सपना 20 साल पहले देखा था जो आज पूरा होता हुआ नजर आता है। और जी जान लगाकर पहले ही साल में बिना कुछ और किए, पैसे नहीं थे, बच्चों को फीस, स्कूल के फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ वहां से एक साल अरेंज किया, पिताजी से रिक्वेस्ट की प्लीज एक साल के लिए ख्याल रख लो हमारा, हम जिंदगी भर आपका ख्याल रखेंगे। ये करने के साथ साथ जी जान से बिजनेस किया, पहले साल में 36,000 की इनकम 12वें महीने में आई और उस समय वो हमारे लिए मंथली इनकम और उस समय हमारे लिए बहुत काफी थी फीस भरने के लिए। तो वहां से शुरू किया, सारा कर्जा 4 साल में लौटा दिया 22 लाख का, 5वें साल में घर खरीदा, 3 फ्लैट्स 3 कमरों के, यानी कि 9 रूम का पूरा मुंबई में फ्लैट खरीदा। इसके बाद के साल में हमारी पहली कार हुई और आज 4 कार हम हॉल ले चुके हैं, 33 फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बिजनेस के लिए मैं अपने आप को काबिल नहीं समझता था, मेरे पास वो सोशलाइजिंग स्किल्स नहीं थे, वो लोगों से कैसे मोटिवेशन करना वो स्किल नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये कोई चीज मायने नहीं रखती है जब आपका इरादा मजबूत होता है। इस मीटिंग में आने के समय हमें ये कहा गया था कि मोटिवेट करना लोगों को, दोस्तों मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है इरादे की, और बस आप जानकारी ले लीजिए कि यहाँ से क्या मुमकिन है। जिस माहौल में हमने बिजनेस बिल्ड किया इतने सालों तक, काफी स्ट्रगल वाला था, फिजिकल मीटिंग में कम लोग हुआ करते थे, आज हम एक जूम मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया से लोगों को शामिल कर सकते हैं। 8 प्रोडक्ट से शुरू किया था, प्लान में इतना पैसा नहीं था, आज प्लान में डबल पैसा है, आज 650 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, इतने बढ़िया ऑफर्स मिलते चले जा रहे, एक और ऑफर मंथ क्लोजिंग के लिए 5 दिन की ऑफर मिली हुई, बड़ी बड़ी बढ़िया है, 50 PV के ऊपर आप करते हो 500 के फील प्रोडक्ट्स,
100 पीवी पे करते हो 1200 के फ्री प्रोडक्ट, माय गुडनेस, ये सारे ऑफर्स भी नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब है आज की तारीख में ये बिजनेस करना बहुत ही बहुत सिंपल और आसान हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपल चीज सिखा देते हैं दोस्तों। मुंबई में जब, अभी तो कोरोना है, लेकिन जब लोकल ट्रेन चलती थी तो हमारा काम बड़ा आसान था। अगर हमें कहीं पे ट्रेन में कहीं पे उतरना है किसी स्टेशन के ऊपर, तो हमें सही जगह पे खड़े रह जाना था, लोगों का धक्का लगता था और हम अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाते थे। दोस्तों आप इस बिजनेस में आज एक ही काम करें, हमारी गाड़ी में चढ़ जाएं, मोदी केयर की सवारी में चढ़ जाए, आपके डेस्टिनेशन पे आप जरूर पहुंच जाएंगे। आज हमारे पास सब कुछ सही है। हम पहले बात करते थे 4 पीस की, वो सही है, 7 पीस की, वो सही है, एजुकेशन सिस्टम सही है, प्रोडक्ट सही है, आप भी सही है। और जैसे आपने अभी अभी देखा, संजय जी ने हमें बताया, 65% लोग आज की तारीख में सेकेंड इनकम ढूंढ रहे हैं। दोस्तों आप अपना ख्याल साइड पे रखें कुछ समय के लिए कि भाई आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा। कोई भी बिजनेस शुरू करते वक्त थोड़ा सा डर झिझक सा जो लगता है, उसे एक मिनट के लिए साइड पे रखकर ये देखें कि कितनी बड़ी जनसंख्या इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है। और जो स्टैटिस्टिक्स बताता है 5 साल में 100 गुना से ज्यादा ये बिजनेस होने वाला है। जैसे राहुल जी ने कहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस समुन्द्र में तैरना है, सिर्फ तैरना है, और आप 100 गुना, अगर आप अभी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 5 साल के बाद 100 गुना यानी 1 करोड़ की इनकम होगी अगर आप मेहनत करेंगे। आज बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास, लोगों ने जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। तो और मैं ये कहना चाहूंगी, यस, आज की तारीख में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंक यू सुरेखा जी, हमारे भी अपलाइन है और ये लीप में हमें इन्वाइट किया है आज का सेशन के लिए। दोस्तों हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और सुरेखा जी ये जो लीप का प्लेटफॉर्म में हमें जो रास्ता भी दिखा रहे हैं, हमें चलना है, 2 चीजें हमें करनी है, डिसीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन की जिंदगी बहुत बेहतरीन बनानी है, और लीप प्रोग्राम में जो भी हमें इस प्लेटफॉर्म पर बताया जाता है वो करते जाएंगे, यानी रास्ता सही चलते जाएंगे, तो हमारे जो सोचे नहीं है उससे भी कहीं गुना बड़े सपने हम पूरे कर पाएंगे। हमें नया बनना होगा एवरी टाइम, और सपने देखने के लिए करोड़ों रुपया, कितने लोगों का नाम, ये सब चीजें हम पाने के लिए हमें कैसा बनना है वो प्लेटफॉर्म भी हमें लीप से मिलता है। सारी चीजें रेडी है दोस्तों, आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिसाइड करने हैं और ये रास्ता चलना है, जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। और दोस्तों जो आज हमने पाया है लगभग 18 से 19 लाख रुपए की मंथली इनकम, हर महीने जबरदस्त बचत होती है और बढ़ती चली जाती है, तो एक वक्त ये सोच आती है कि अब क्या करें। दोस्तों अब हम एक नए प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं, एक नए ड्रीम, एक नए इरादे के साथ। अब हमें चाहिए एक बहुत बड़ी कॉलोनी, मतलब पहले हम बंगलों का सपना देखा करते थे, लेकिन मोदी केयर की शान देखिए कि आज हमारा सपना उससे भी बड़ा हो गया है, और बहुत यकीन है ये सारे सपने हम पूरे कर पाएंगे। और मजे की बात यह है कि हम अपना सपना पूरे करते करते लगभग 1000 लोगों को 1 लाख की इनकम तक पहुंचा के रहेंगे। दोस्तों आई एम नाउ 61 years old, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अभी अभी शुरू हुआ है। जब तक ये शरीर काम करेगा हम लोग मोदी केयर में काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं, देयर इज नो लिमिट कि हम इस बिजनेस के बारे में कितनी अच्छाई करते रहें। बस एक चैलेंज का आपको सामना करना है कि आपको रिजेक्शन का सामना कर लेना है, और वो करने के लिए आपके पास है ये एजुकेशन सिस्टम, ये लीप प्लेटफॉर्म 2L21। इससे बेहतर समय हमने आज तक इस बिजनेस का देखा नहीं है, इससे बेटर मल्टीप्लिकेशन आज तक मुमकिन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसे फ्रंटियर पे हैं, एक ऐसे मोड़ पर है कि आगे कितना बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है उसका हम अंदाजा लगा नहीं सकते। और मोदी केयर की शान देखो, सेकेंड ईयर वापस हम रैंक नंबर 5 पे पहुंचे हैं, कोई कमी नहीं है सफलता की हमारे सामने, इतनी जबरदस्त सफलता पा पाएंगे कि देयर इज नो लिमिट। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इस सफलता पे चलते रहे, इस रास्ते पे चलते रहे, हमारे एजुकेशन सिस्टम का फायदा लेते रहे, इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम फायदा लेते रहे, और सफलता आपकी होके रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। वाओ,
थैंक यू सो मच। बस मेरा तो क्लैपिंग करने का ही मन कर रहा है, आपको सुन के बस मजा आ गया, आपकी जर्नी को सुन के। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ चुका होगा कि हमें क्या करना है। केवल अपने इरादे मजबूत करने हैं, सिस्टम तो हमारे सामने है, हमें डे बाई डे ग्रो करने के लिए हमें इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग्स मिलती हैं, केवल हमें अपने इरादों में जान डालनी है। वाओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम, अभी ये सीखने सिखाने का सिलसिला यहीं तक नहीं है, अभी तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं हमारे पास जो हमें सीखनी है, हमें सिखा रही हैं। तो आज शाम 6:30 बजे सुरेखा भार्गवा मैम के लीप प्लेटफॉर्म पे हमें एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस चीज से हम सभी बहुत प्यार करते हैं, जो है हमारी स्किन, और हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स। राधिका वेरी वेरी सॉरी, अभी है ना बाल के सारा जी का कॉल आया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम स्किन सेशन नहीं कर रहे हैं। मजूमदार जी, सुवांकर मजूमदार जी, वेलनेस पे टूल्स कैसे यूज किए जाएं ये हमें सिखा रहे हैं। ओके 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 मैम, ओके अभी जस्ट मैंने अभी फोन रखा, लेट हो गई मैं, एक मिनट। हाँ ओके मैम, ओके 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 मैम। सो दोस्तों, आज जो हमारा स्किन केयर का जो सेशन होने वाला था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मैम हमारी सेशन करने जा रही थी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। तो आज का जो हमें शाम को सेशन मिलने वाला है वो भी बहुत बेहतरीन चीज है, जो हम सभी को डेली आज के टाइम में तो बहुत ही नीड है, जो है वेल प्रोडक्ट्स, कि हमें अपनी इम्यूनिटी, अपने शरीर को किस तरीके से हम अच्छा बना सकते हैं। तो आज शाम के सेशन में हमें वही सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, अपने गेस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, और यहाँ से जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है उसे ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। और इसी के साथ आज हमारा डे 3rd था, और मैं डे 4th के लिए भी आप सभी को इन्वाइट कर रही हूँ। हमारी 29th जून को कमांडो ट्रेनिंग का जो डे 4th है, उस सेशन के लिए जिसमें हमें स्पॉन्सर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जूम स्किल के बारे में बताया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा गेस्ट के साथ उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए और उसका फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।